और अब मैं उस कवि को यहां आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे बीच में श्यामबाग से आए हैं, कर्णेश दीक्षित जी, आप यहां पर आए और अपना कविता। परम आदरणीय दादा श्री रामानंद पाठी जी, आज उनके अध्यक्षता में संरक्षण में काव्य का पाठ करने का और खासतौर से गीत पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। आज मेरा गीत जांच दिया जाएगा और दादा श्री राजेंद्र पंडित जी की उपस्थिति, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन्हें कभी श्रोता की दीर्घा में नहीं देखा, सदैव मंच से ही सुना है। बहुत बहुत कार्यक्रम उनके मैंने श्रोता बन के सुने हैं, आज मुझे ये पद्मश्री मिला है कि वो मेरे सामने मेरी कविता सुन रहे हैं। एक बार आदेशित करिए ताली में जाकर मैं चार मिनट के लिए। मित्रों, वैलेंटाइन डे है, प्रेम की बात सभी ने की और प्रेम की बात न की जाए तो ये बेमानी होगी। प्रेम का एक प्रतीक दीपक और पतंगा होता है, मैं वहीं से अपनी चार पंक्तियां लेकर शुरू होता हूं प्रेम पर। कि सभी की भावना में दर्द का एहसास पलता है, सभी की भावना में दर्द का एहसास पलता है, और न जाने कौन किसके साथ में हमदर्द चलता है, न जाने कौन किसके साथ में हमदर्द चलता है, और न समझो प्यार में जलता रहा केवल पतंगा ही, न समझो प्यार में जलता रहा केवल पतंगा ही, अरे इस आग में तो उम्र भर दीपक भी जलता है, अरे इस आग में तो उम्र भर दीपक भी जलता है। और मित्रों, प्रेम की बात होश में बहुत कम, बेहोशी में ज्यादा करी जाती है। सब चार पंक्तियां लिखे कि बहुत बाहोश होता हूं मैं जब बेहोश होता हूं, बहुत बाहोश होता हूं मैं जब बेहोश होता हूं, और तुम्हीं से बात करता हूं मैं जब खामोश होता हूं, तुम्हीं से बात करता हूं मैं जब खामोश होता हूं, और कभी जब याद में तेरी छलक आती है ये आंखें, कभी जब याद में तेरी छलक आती है ये आंखें, मैं खुद को दोष देता हूँ मगर निर्दोष होता हूँ, मैं खुद को दोष देता हूँ मगर निर्दोष होता हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के इसलिए पढ़ा हूँ, दादा का आदेश है कि समय हो रहा है जल्दी जल्दी पढ़ लो। दादा जरा दो क्षण पढ़ के ही छोटा सा पढ़ो, जरा ध्यान चाहूंगा आशीर्वाद चाहूंगा, एक क्षण देखें। प्रेम का नायक नायिका की आपस में बातचीत कि अब रूठ न मौन को तोड़ प्रिय चल तेरे स्वरों में स्वरों को मिला दे, अब रूठ न मौन को तोड़ प्रिय चल तेरे स्वरों में स्वरों को मिला ले, और प्रेम के रीति रिवाज निभा कर दो कुल दोनों घरों में मिला ले, और ऐसी उड़ान भरे आकाश में तेरे परों को परों में मिला ले, और झूम के चूम ले बावरिया अधरों को तेरे अधरों में मिला ले, झूम के चूम ले बावरिया अधरों को तेरे अधरों में मिला ले, तो रूठे नहीं मुझसे यदि वो फिर बात भला उस ओ
और बांध रखा जिससे मन को प्रिय, जाने भला वो हो डोर हुई क्या। और देख जरा उठ जाग तो बावरे, नेह के आंगन भोर हुई क्या। और नैन में चैन है आपके तो फिर, नैन की काजरी कोर हुई क्या। नैन में चैन है आपके तो फिर, नैन की काजरी कोर हुई क्या। एक छोटा सा केवल दो बंद का गीत पढ़ता हूँ ना, फिर प्रेम का गीत है, नायक नायिका के मध्य बातचीत का गीत है। कि धर दो अधर गुलाबी मेरी सांसों पर, धर दो अधर गुलाबी मेरी सांसों पर, शीतल कर दो कुछ अंतस की ज्वालाएं, और भावों का कोमल स्पर्श मुझे देकर, भावों का कोमल स्पर्श मुझे देकर, विकसित कर दो कुछ प्रेमाकुल क्रीड़ाएं। धर दो अधर गुलाबी मेरी सांसों पर, तो खोल भी दो ना, खोल भी दो अपने नैनों के मदिरा ले तुम, बहुत दूर से कोई पीने आया है, और आंखों में कुछ रंग बिरंगे स्वप्न सजा, क्षण भर संग तुम्हारे जीने आया है। तो एक बार मुस्का कर कह दो तुम प्रियतम, एक बार इठला कर कह दो तुम प्रियतम, मरते मरते हम पल भर को जी जाए। धर दो अधर गुलाबी मेरी सांसों पर, शीतल कर दो कुछ अंतस की ज्वालाएं। और ये अंतिम बात पढ़ दो सर, कि बहुत बड़ा इतिहास बनेगा ये जीवन, एक पन्ने पर मेरा भी तुम नाम लिखो। बहुत बड़ा इतिहास बनेगा ये जीवन, एक पन्ने पर मेरा भी तुम नाम लिखो, और खुद को लिखो सुनहरी किरणें भोर नया, और मुझे प्यासी व्याकुल सी शाम लिखो। तो जाते हो जाओ पर यादों से कह दो, जाते हो जाओ पर यादों से कह दो, कि तेरे बाद मुझे ना आकर तड़पाए। धर दो अधर गुलाबी मेरी सांसों पर।